जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड्स। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के कलर कोड्स को जानना क्यों जरूरी है? फायर एक्सटिंग्विशर के कलर कोड्स, जैसे किसी इमरजेंसी के टाइम एक फायर एक्सटिंग्विशर टंगा है और उस पे मात्र कलर है और नाम नहीं लिखा है, तो आप वो कलर कोड्स के मुताबिक उस चीज़ को जान सकते हो कि वो कौन सा एक्सटिंग्विशर है और कहाँ यूज़ हो सकता है, वाटर है, फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में बताया था कितने टाइप के फायर होती है, उन्हें किस किस एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो अपन जानेंगे फायर कितने प्रकार की होती है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ, 6 टाइप की फायर होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहला टाइप ए, जो कि एक ऑर्डिनरी फायर होती है जिसको वाटर से बुझाया जा सकता है और उसका कलर कोड रेड होता है। उसके बाद आता है टाइप बी, जो कि एक ऑयल की आग होती है और उसे अपन फॉर्म से बुझा सकते हैं और उसका कलर कोड है क्रीम। फिर आता है टाइप सी, जो कि एक गैसेस आग होती है जिसमें कि अपन उसको बुझा सकते हैं डीसीबी पाउडर से। ठीक है, उसका कलर कोड है फ्रेंच ब्लू। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप डी, जो कि एक मेटल की आग होती है और उस आग को अपन डीसीबी पाउडर से बुझा सकते हैं और उसका कलर कोड है फ्रेंच ब्लू। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ई, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी की आग होती है और उस आग को अपन CO2 से बुझा सकते हैं जिसका कलर कोड है ब्लैक। उसके बाद आता है टाइप एफ, जो कि KB होता है, वो एक किचन फायर होती है जिसमें कि अपन DCB पाउडर से बुझा सकते हैं, उसका कलर कोडिंग है फ्रेंच ब्लू। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।